सजेशन मिलने के बाद भी लोगों को घर से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहा सुपरटेक बिल्डर। और जब सुपरटेक केप टाउन के निवासी पावी बत्रा अपनी बिजली और पानी से जुड़ी समस्याएं लेके केप टाउन के मेंटेनेंस ऑफिस पहुंचे, तो वहां मौजूद अधिकारियों ने पहले तो बदतमीजी से उनसे बात की और फिर सिक्योरिटी और बाउंसर्स द्वारा उनके साथ मारपीट करी, जिसमें पावी बत्रा को काफी गंभीर चोटें भी आई। अरे जितेंद्र, संजय और ये तीनों सिक्योरिटी वाले इन्वॉल्व थे और कोई नहीं था। हाँ, सफारी सूट वाला भी सुपरवाइजर है। मेरा नाम पवी बत्रा है, मैं यहाँ सुपरटेक केप टाउन टावर CS1 1607 का निवासी हूँ। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर हमारे को बिजली की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सुपरटेक ने हम लोगों को बेचा हुआ है लगभग 10,000 किलोवाट, और वहाँ विद्युत विभाग से उन्होंने सिर्फ 2,000 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है। उस वजह से गर्मी बढ़ने पर रात में लोड बढ़ता है और लाइट ट्रिप हो जाती है। पिछले एक हफ्ते से हम सब रेजिडेंट्स इस सब चीज़ों को झेल रहे हैं और सब परेशान हैं, सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल सुबह 9 बजे से हमारे टावर CS1 में पानी आना बंद हो गया, जिसकी कोई हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी कि पानी बंद होने वाला है या कब तक बंद रहेगा। जब हम वहाँ पर फ़ोन कर रहे हैं तो पहले उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जब वो फ़ोन उठाते थे तो बोलते थे अभी आधे घंटे में आ जाएगा, अभी एक घंटे में आ जाएगा, तब भी पानी नहीं आया। फिर मैं उनके पास 2 बार उनके ऑफिस में कंप्लेंट करने गया, CM2 मेंटेनेंस ऑफिस में। वहाँ पर उन्होंने बोला कि हाँ सर आप पहुँचिए, अभी 10 मिनट में पानी आ जाएगा, लेकिन रात शाम के 1-1.5 बजे तक भी पानी नहीं आया दोपहर के। फिर मैं करीब लगभग 1:30 बजे करीब मैं इनके मेंटेनेंस ऑफिस में दोबारा कंप्लेंट करने गया पानी के लिए। फिर मैंने वहाँ पर जब तेज आवाज़ में चिल्लाना चालू करा कि पानी क्यों नहीं आ रहा, आपकी क्या प्रॉब्लम है, तब उनके बंदों ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया और 10-12 लोग मेरे ऊपर। कौन कौन लोग किसी के नाम जो मेन नाम मेरे को याद हैं 3-4 लोगों के, वो एक हैं कामेश्वर, संजय, जितेंद्र, अंजनी और 2-3 अन्य लोग थे जिनके नाम मुझे ज्ञात नहीं है। उनमें से एक बाउंसर भी हैं, प्रोफेशनल बाउंसर, जो लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडे लेकर के मारने आ गए, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे ऊपर 10-12 लोग चढ़े हुए थे, मेरे को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इन्होंने बहुत मारा है। मैंने 100 नंबर पर उसी टाइम फ़ोन करा, पुलिस आई थी मेरे को लेके गई और इनके 2 बंदे सिक्योरिटी वालों के, संजय और जितेंद्र को लेके गई। क्या कार्रवाई कुछ नहीं हुई वहाँ पर, मेरे को ले जाकर के बिठाल दिया गया, बोला गया कि अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो आप दोनों को हवालात में डाल दिया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा और आपकी सुबह जमानत होगी। ग्राहकों का आरोप है कि काफी पहले से ये समस्याएं जारी हैं और बिल्डर इन पर कोई सुनवाई नहीं करता, उल्टा केप टाउन के स्टाफ बदतमीजी और गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। छोड़ दिया हमारे ऊपर, फीमेल बाउंसर्स छोड़ेंगे ये लोग, मतलब हम लोग कहाँ सेफ है यहाँ पे। किस बात को लेकर कल झगड़ा हुआ था पूरा? कुछ नहीं, सिर्फ पानी नहीं था। 3-4 दिन से यहाँ लाइट का इशू है, यहाँ पे लाइट नहीं होता, रात को लाइट ले लेते हैं ये लोग, सुबहरे पानी नहीं होता है, मतलब इतना इश्यूज है सोसाइटी में। तो वहाँ रेजिडेंट को मारने लगते हैं, मेंटेनेंस वाले मारा जाता है हर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे में पानी आ रहा है, आधे घंटे में पानी आ रहा है, ये चल रहा है कि एक टाइम बता दो ना। पानी नहीं है, रेजिडेंट परेशान है, बच्चे आ गए 2:30 बजे, पानी नहीं है कि खाना बना के दे सके उन लोगों को। शैलेंद्र बर्नवाल जो कि केप टाउन के निवासी हैं और नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन के सदस्य भी, उन्होंने बताया कि हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं और सुनवाई न बिल्डर करता है और न ही पुलिस। केप टाउन का निवासी हूँ, यहाँ के जो निवासी है वो बिजली, पानी, सुरक्षा और बहुत सारी समस्याओं से डेली परेशान हो रहे हैं। अभी यहाँ पे बिजली की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो लाइट है वो डेली ट्रिप करता है। यहाँ पे बिल्डर ने सबसे ज़्यादा पैसे ले रखे हैं, आसपास की जितनी भी सोसाइटियाँ हैं सबसे ज़्यादा इन्होंने पावर बैकअप का भी चार्ज ले रखा है और ग्रिड कनेक्शन का भी चार्ज ले रखा है, लेकिन इनकी जो सर्विसेज है वो सबसे निम्नतम स्तर पर है, सबसे खराब क्वालिटी की यहाँ पर। हम लोगों ने प्राधिकरण में भी जाकर इसकी शिकायत कर रखी है, जो विद्युत विभाग है वहाँ पे भी शिकायत कर रखी है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डेली ये ऐसा कर, बार बार इनको बोले जाने के बाद भी इस पर कोई भी निदान नहीं निकाल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो बिल्डर है वो पानी का भी चार्ज लगाने वाला है, पानी का भी जो चार्ज लगा रहा है ऐसा सुनने में आया कि जो आसपास की जो सोसाइटी है उसमें भी सबसे ज़्यादा चार्ज इन्होंने लगा रहा है, जबकि इनकी क्वालिटी कुछ भी नहीं है। बिल्डर्स की मनमानी से लोग वैसे ही परेशान रहते हैं और हद तो तब हो गई जब सुपरटेक केप टाउन में रहने वाले एक निवासी को कल बुरी तरीके से पीट दिया गया बाउंसर्स द्वारा। वे अपनी समस्या को लेकर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास गए थे पर उनकी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नहीं सुना गया और बाउंसर्स ने उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से पीट दिया। जब इस प्रॉब्लम को लेकर वे पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं करी और इसी के चलते आज सुबह से करीबन 200 लोग सुपरटेक के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।
कैमरा पर्सन विकास सहलावत के साथ मैं अनुराग दास गुप्ता, रियलिटी मीडिया।